पृथ्वी, तुम तो जानती हो ना कि मेरा स्वभाव चोरी का है। जब मैंने उस मणिकार को तुम लोगों को वो चमकीले रत्न दिखाते हुए देखा तो तुम मेरे अंदर की चोरनी की दृष्टि जग गई और मेरे ये हाथ अपने आप हाँ रत्नों की तरफ बढ़ गए और मैंने वो ले लिया। फिर मुझे क्या मालूम था उस मणिकार के सिपाही मेरे पीछे पड़ जाएंगे और घबराहट में ना मैंने वो रत्न कहीं फेंक दिए और भी ये बात कर्ण को पता चल गई ना, तुम तो कर्ण की न्याय प्रियता जानती हो, वो मुझे मृत्यु दंड दे देगा और उससे पहले भाभी भाभी मुझे घर से निकाल देगी। बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं नहीं, हम लाचार हैं। ये सब आपको चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। हम इस अपराध में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। उर्वी, तो फिर लो, मारो मुझे, थप्पड़ मारो मुझे। देखो, चोरनी की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन अंगराज कर्ण की तो प्रतिष्ठा है ना। कैसा लगेगा जब उस मणिकार के सेवक मुझे कर्ण के दरबार में ले जाएंगे। सब कर्ण का प्रयास करेंगे कि उसकी बुआ छोड़ दी अपने लिए कर्ण की प्रतिष्ठा बचा लो। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ, हाथ से चोरी तो क्या कोई और अपराध भी नहीं करूं। चलो उर्वी, बचा लो मुझे। हम कर्ण की प्रतिष्ठा पर ऐसे दाग नहीं लगने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। लेकिन जो भी करना है रातों रात करना होगा। सब कर्ण का प्रयास करें उसकी बुआ छोड़ दी अपने लिए कर्ण की प्रतिष्ठा बचा लो। उर्वी, महारानी सुग्रा का आदेश याद है ना? आगे क्या करना है तुम जानती हो। आप चिंता मत कीजिए, जैसा महारानी चाहती हैं वैसा ही होगा। अब बाकी का अभिनय करना बाकी है। उर्वी, उर्वी करना था होगा। उसके आने से पहले कुछ करो, मुझे बचा लो। उर्वी, पच्चीस सहस्त्र मुद्राएं लगेंगी इसके लिए। कहां से लाएंगे? कहां से? माँ ने जो ये सोने के पात्र दिए हैं इन्हें रातों रात बेच दो, मुद्राएं मिल जाएंगी।
मान जाओ उर्वी, इस चक्रव्यूह में तुम्हें आना ही होगा। तुम्हारी धनवान माँ नहीं चाहती कि तुम्हारा कर्ण से मिलन हो। बुआ जी, हम इसे नहीं भेज सकते। इससे हमारी माँ का प्रेम जुड़ा है, राधा माँ का विश्वास जुड़ा है, इसे नहीं भेज सकते। तब तो हो चुका बंटाधार, रात भर परिश्रम करने के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे, कल तो हम धर दबोचे जाएंगे और साथ में मेरे कर्ण का सम्मान कलंकित हो जाएगा। नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमें इसे बेचना ही होगा, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। ये लीजिए बुआ जी, बेच दीजिए इसे। ये तो मुझ पर डाल रही है, पर योजना के हिसाब से जाना तो उर्वी को है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ, जाइए ना। हाँ? पहुंचेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जा सकते, कर्ण कर्ण अभी आते ही होंगे। उर्वी उर्वी उर्वी, देखो कर्ण को मैं संभाल लूंगी, सुनार की दुकान ना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अधिक समय नहीं लगेगा, तुम चली आओ। देखो अब तो मेरे पैर में भी चोट लग गई है। से पहले अतिशीघ्र अपना वेश तो बदल लो। वो किस लिए? इस तरह जाओगी तो सुनार को संदेह हो जाएगा, वेश बदल कर जाओगी तो किसी भी धनवान व्यापारी के साथ सौदा कर सकती हो। हेलो भी, महाराज मुझे न्याय चाहिए, मेरी पत्नी विवाह के उपरांत मुझे छोड़कर जा रही है, ये तो सही नहीं है महाराज, आप इसे रोकिए। देवी, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? महाराज, इन्होंने मुझसे विवाह तो कर लिया, परंतु विवाह के वचन नहीं निभा पा रहे हैं। मुझे जीवन में सुख सुविधाएं देने का उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, और निभाएं भी तो कैसे, कुछ काम जो नहीं करते हैं ये। ये उर्वी के वस्त्र हैं, जिन्हें एक बार पहन लेती तो पुनः कभी नहीं पहनती। प्रेम से जीवन नहीं कटता, उसके लिए धन और साधन चाहिए।
इस घर में जो सोच कर आई थी, विवाह के बाद जैसे सब धोखा निकला। हम एक धनी घर की कन्या है, विवाह के बाद ये वस्तुओं की कमी सहने की क्षमता हम में नहीं। बड़ी आसानी से वचन तो दे दिया कि हमारी इच्छाओं का सम्मान रखेंगे, पर विवाह के बाद दो वक्त का अच्छा भोजन तक नहीं खिला पाया मैं। वो पति है क्या जो अपने पत्नी को सुख सुविधा देने की शक्ति ना रख पाए? महाराज, मैं अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता हूँ, अब आप ही मेरी गृहस्थी बचा सकते हैं महाराज, कुछ कीजिए। तुम अपनी पत्नी को सुख से बधाई देने के लिए क्या कर सकते हो? देखो, तुम्हारी विवशता हो या आलस्य, परंतु तुम अगर अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व नहीं उठा सकते तो तुम्हें उसे रोकने का भी कोई अधिकार नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं पति हूँ, मुझे तो अधिकार है। अधिकार तब होगा जब समाज में तुम्हारा सम्मान, और सम्मान होगा परिश्रम से, और परिश्रम तपस्या है। या तो तुम कुटुंब के लिए तपस्या करो, अन्यथा तुम्हारा पुरुषार्थ केवल एक शब्द है, सच्चाई नहीं। एक स्त्री विवाह से नहीं बंधती, वो बंधती है प्रेम से, सम्मान से। और याद रहे, तुम सिर्फ एक पति हो, स्वामी नहीं। महाराज, आज तक केवल सुना था कि आपकी सभा में केवल न्याय होता है, परंतु आज देख भी लिया, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि एक पत्नी का पेट केवल पोकल प्रेम से नहीं भरता, उसके लिए पति में क्षमता होनी चाहिए कि वह समाज में अपनी पत्नी को सम्मान दिला सके। अंगराज कर्ण की जय हो, अंगराज कर्ण की जय हो, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। आप अपने हृदय से ही पूछ लीजिए, जितने सुख में आपको उर्वी आज यहाँ दिखी है, आपको कभी अंग में दिखा था? प्रेम से जीवन नहीं कटता, उसके लिए धन और साधन चाहिए। और अंगराज, हमें भय है कि जिस तरह आपकी माता ने आपको त्याग दिया था, कहीं उसी तरह उर्वी भी एक दिन आपको त्याग ना दे। अब लग रही हो किसी अमीर व्यापारी की पत्नी। ये लो। हम चलते हैं, कर्ण आया तो कर्ण को मैं संभाल लूंगी। रूफी, मुझे वचन दो कि मेरी इस छोरी के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। हम वचन देते हैं। घूंघट करके जाना, लो हाँ, कोई कहीं देख ना ले। आ अब देखो कर्ण आया कि नहीं, उर्वी के आने तक उसे संभालना होगा, ताकि वो उर्वी को 25,000 मुद्रा के साथ पकड़ ले। राधा भाभी, क्या है ना, उर्वी का मन बहुत चंचल है। कह रही थी कि कर्ण की प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है, इसीलिए उसे देखने बाहर चली गई।
पर आप उसके कक्ष में क्या कर रहे हैं? भाभी, वो देखने आई थी कि कर्णा और उर्वी निकट आए कि नहीं। वो क्या है ना कि हमारे बीच में शर्त लगी थी। ये सब शोभा नहीं देता। जाइए आप लोग यहाँ से। चल। कर्ण और उर्वी का मिलाप आज अवश्य होगा। हमें डब्बी बेचकर 25,000 मुद्रा लेकर कर्ण के आने से पहले लौटना होगा। क्या कारण है कि आप इतनी रात को अकेले घर से बाहर निकली हैं? मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। अवश्य ही कोई विपरीत परिस्थिति होगी जिसकी वजह से आप इस समय बाहर निकली हैं। निसंकोच बताइए, मैं और आप अपरिचित नहीं हैं। मैं आपका राजा हूं और आप मेरी प्रजा होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं आपकी सहायता करूं। मैं आपकी यथासंभव सहायता करूंगा, तो कहिए। सब कर्ण का प्रयास करेंगे कि उसकी बुआ छोड़ती अपने लिए कर्ण की प्रतिष्ठा बचा लो। और ये तो राजभवन की ओर लौट रहे हैं। इससे पहले कि इन्हें हमारे भवन में ना होने का पता चले, हमें शीघ्र कार्य समाप्त कर लौटना होगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।